स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों वीडियो देख लेते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा दोस्तों, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगा था यार, मैंने कॉन्ग्रेचुलेट करा था जय शाह को, मैंने कॉन्ग्रेचुलेट करा था कि ठीक है आपने मना कर दिया पाकिस्तान, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ये खेलना बंद करो। ये सब ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है ये, जिसपे हम कहें कि भाई इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा। भाड़ में गई तुम्हारी क्रिकेट यार, हमें डट के रहना चाहिए इस बात के ऊपर, वो नहीं आएंगे तो हम कभी भी नहीं जाएंगे। भाड़ में गई तुम्हारी क्रिकेट यार, बात मनवा लेता आईसीसी। बिल्कुल सर, सही बात है, 80-85% सारे शेयर्स उनके पास है। यहाँ पे पाकिस्तान टेलीविजन पे पूर्व क्रिकेटर पाकिस्तान के बकवास पूरी यार, हमें फंस के नहीं पाए, भाड़ में जाए मरे जिए जो भी करे, बीसीसीआई को बैन लगा दे। बैन लगा दे के भाई तुम लोगों ने बकरे अपने पे होकर समझा हुआ आईसीसी के, ये बकरे आईसीसी जीरो है ओके बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है। yes. आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। ठीक है पाकिस्तानियों को तो बेड़ा गर्क हो, विराट और रोहित चाहे ना तो बीसीसीआई को इंसिस्ट कर सकते हैं कि भाई हमने चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाना है, तो बोर्ड उनको कभी भी बात को ना नहीं करेगा यार, बहुत सारे पाकिस्तानी वेट कर रहे हैं यार। यही कहते हो ना पाकिस्तान ना भेजने का आपका सबसे बड़ा कारण यही है कि विराट कोहली, तो क्या इसका मतलब जो टेनिस का प्लेयर उसकी जान जान नहीं है सर, विराट कोहली की जान। मैं आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर विराट कोहली। देखिए जुल्म, ये जुल्म है फिर। एक मुल्क ने आपके ऊपर आपके लिए 1280 करोड़ खाली स्टेडियम के ऊपर लगा दिया, फिर 4 अरब की बिल्डिंग खरीद ली है, फिर लेकिन आप फिर भी कह रहे हो कि हमें सिक्योरिटी का इशू है। यार कितनी सिक्योरिटी दें आप लोगों को, आपको समझ में क्यों नहीं आती छोटी सी बात। स्टेटमेंट देना, आप स्टेटमेंट कुछ भी कोई भी मुंह उठा के दे सकते हैं, स्टेटमेंट आप देते हैं इधर खड़े होके कि मैं नहीं जाने दूंगा पाकिस्तान टीम को, क्या होता है। कैप्टन ब्रिजेश थापा ये विराट कोहली को जानता है क्या? इसने अपने अपने परिवार की बलि चढ़ा दी और हमें जानता तक नहीं, और हमें इतनी शर्म नहीं आई कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि यार ठीक है कोई बात नहीं पाकिस्तान नहीं जाएंगे, एक बैकडोर एंट्री ले लेते हैं यार, श्रीलंका में खेल लेंगे, यूएई में खेल लेंगे। जी हाँ, बहुत बार पहले भी मैंने कहा है कि कोई क्रिकेट, कोई हॉकी, कोई कबड्डी कुछ नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। कल जो डोडा में हुआ है भारत में ये होता रहता है, और इसके पीछे कौन होता है? पाकिस्तान। क्या जैसे मोहम्मद अफ्रीका का है, ऑस्ट्रेलिया का है, न्यूजीलैंड का है या श्रीलंका का है? ये चिंदी चोर जब देखो सिक्योरिटी की बात करते हैं, टीम भेज दो सिक्योरिटी दे देंगे। या तो होना हम लोग अपनी बॉर्डरों से अपनी सारी फौज मंगवा के आप लोगों के सराहने रख देते हैं, इतने भी आप लोग स्पेशल नहीं हो, जैसी सिक्योरिटी बाकी टीमों को मिली है ना वैसी आप लोगों को भी मिल जाएगी। अच्छा बातें आने लग गई, इस जैसे चिंदी चोर कल परसों रो रहे थे, ये खुद भी गिड़गिड़ा रहा था मैं खुद बन जाऊंगा विराट कोहली रोहित शर्मा का सिक्योरिटी गार्ड, और अब देखो इतने भी आप लोग स्पेशल नहीं हो, जैसी सिक्योरिटी बाकी टीमों को मिली है ना वैसी आप लोगों को भी मिल जाएगी। और रही बात आर्मी को सिराने रखने की, उन्हें सिराने नहीं बेटा, जिस दिन खिसक ली ना उस दिन कंधा दोगे तुम लोग। जब देखो एक ही बात, भारत सियासत को क्यों घुसा देता है, तुम जो तारों के नीचे से घुसाते हो आतंकवादी उसका क्या, सियासत तो हो रही है बेटा जी। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो है अब सोच में पड़ गया है, काफी ज्यादा बातें हो रही हैं सोशल मीडिया के अंदर, बात सिर्फ अफगानिस्तान हिंदुस्तान की नहीं है, बांग्लादेश भी बीच में आ गया है और बांग्लादेश ने भी ये बात कही है। अफगानिस्तान के बाद अब बांग्लादेश, जो तुम्हारा ही टोटा था कभी, याद होगा ना 1971 तुम्हारा ही छोटा भाई, वो नहीं आता तुम्हारे, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, अफगानिस्तान तुम्हारा पड़ोसी परली साइड वाला वो नहीं आ रहा, कोई नहीं आएगा बेटा अकेले खेलना, बाबर रिजवान करेंगे बैटिंग, इमाद अफरीदी करेंगे बॉलिंग। खेलते रहना अकेले, कोई नहीं आता तुम्हारे भाई, अगर वो नहीं आएंगे तो इस बात के ऊपर डटे रहना चाहिए जो हमारे साथ आता है ठीक है, नहीं तो उसको हम प्रॉपरली बायकॉट करेंगे। यार एक बात सोचो यार, ये लोग ये मजाक उड़ा रहे हैं अपने दिल में, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बीसीसीआई नहीं ना आती यहाँ पे पाकिस्तान खेलने के लिए, बीसीसीआई को बैन लगा दे, बैन लगा दे के भाई तुम लोगों ने बकरे अपने पे होकर समझा हुआ आईसीसी के, ये बकरे दे आर ह्यूमिलिएटिंग अस, दे आर इंसल्टिंग अस, बीसीसीआई तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता मूड बुद्धि। अभी उनका सूरज चढ़ रहा है, वो ऊपर है, तो वो कह रहे हैं कि भाई हम जिस तरीके से पाकिस्तान को डाउन कर सकते हैं हम करके दिखा। बकवास पूरे दिन। बिल्कुल अगर देखा जाए तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान नहीं आते तो हमें कोई मसला नहीं उसका, हमें कोई नुकसान नहीं, टीम बेशक नहीं हो लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा ये दोनों हमारे लिए, इनको हम लोग जेड प्लस क्या ट्रिपल जेड प्लस इनको हम लोग सिक्योरिटी दे देंगे। चाहे इंडिया जीते ना जीते वो अलग बात है, जिस जिसको खुशी मिलती है ना, इन फौजियों के खून से आपके भी हाथ रंगे हुए हैं, यू आर गिल्टी। जब भी ये क्रिकेट मैच से पैसे कमाएंगे भारत खेलेगा, मैक्सिमम इनकी कमाई होगी और उस कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस जिहाद जाएगा। जो लोग हैं कमेंट सेक्शन में आपको बताएंगे कि भाई इंडिया को जाना चाहिए, बता दो इसको कमेंट सेक्शन में कि इंडिया को जाना चाहिए कि नहीं,
ये बड़ी मशहूरी करते हैं कि इंडिया की आवाम चाहती है, विराट कोहली चाहता है, रोहित शर्मा तो खेलना चाहता है। बताओ कमेंट सेक्शन में इस चिंदी चोर को। क्रिकेट मैच हो रहा है पाकिस्तान में, लोग जाएंगे नहीं जाएंगे? अच्छा, इसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है टेलीविजन पे। क्रिकेट मैच में नहीं जाएंगे पाकिस्तानी, यहां पे नहीं आएंगे। फिर वो कह रहे हम वर्ल्ड कप इंडिया में होगा तो हम नहीं जाएंगे। यार भाड़ में गई तुम्हारी क्रिकेट यार, अभी तो घिन आने लगी मुझे क्रिकेट के नाम से। सारी घिन आने लगी है, हमारे भाइयों के खून के ऊपर तुम लोग क्रिकेट खेलते हो यार, तुम्हें तब शर्म नहीं आती? अच्छा लगा था यार, मैंने कॉन्ग्रेचुलेट करा था जय शाह को, मैंने कॉन्ग्रेचुलेट करा था कि ठीक है आपने मना कर दिया पाकिस्तान, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ये खेलना बंद करो, ये खेलना बंद करो इनके साथ, यूएई में खेल लेंगे, ये बंद करो यार ये ड्रामा, कभी तो शर्म कर लो यार, थोड़ी सी शर्म, खून बह रहा है सरहद पे, खून बह रहा है, थोड़ी सी शर्म कर लो यार, तुम्हारे भाई हैं ये, और ये हर एक बंदे के लिए खून बह रहा है। बिल्कुल सही है। अबे पोर्कियो, दुनिया की बिगेस्ट आर्मीज में आती है भारत की आर्मी, कितनी बड़ी आर्मी है, हर घर से कोई ना कोई फौजी होता है, किसी का मामा, किसी का चाचा, किसी का भाई फौजी, क्या करें, वो उधर लड़ रहा हो और हम बॉर्डर और जो मसले मसाइल हैं उसको साइड में रख के क्रिकेट देख रहे हो ना। विराट और रोहित चाहे ना तो बीसीसीआई को इंसिस्ट कर सकते हैं कि भाई हमने चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाना है, तो बोर्ड उनको कभी भी बात को ना नहीं करेगा यार, बहुत सारे पाकिस्तानी वेट कर रहे हैं यार। अबे मूर्ख प्राणी, अब नो डिसरेस्पेक्ट टू विराट और रोहित, ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि उनकी कोई औकात नहीं है तो गलत होगा। पहली बात तो वो चाहते ही नहीं, तुम वहीं बैठे बैठे ख्याली पुलाव बना रहे हो। दूसरी बात, अगर तुम सुनना ही चाहते हो ना, तो दूसरी बात, यहां सबके लिए नेशन फर्स्ट, आर्मी फर्स्ट, बॉर्डर फर्स्ट, नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, तुम्हारी तरह बिकाऊ कौम नहीं है ये। मैं कहता हूं अगर पाकिस्तान के अंदर ब्लू शर्ट से ज्यादा ग्रीन शर्ट आपको नजर आएगी फिर मुझे बात कर देना, अगर ग्रीन शर्ट किसी ने पहनी भी होगी तो शर्ट के ऊपर आपको विराट कोहली या नंबर 18 लिखा हुआ नजर आएगा। कैप्टन ब्रजेश थापा ये विराट कोहली को जानता है क्या? क्या रोहित शर्मा को जानता है कि जय शाह को जानता है या बुमराह को जानता है? ये किसको, ये किसी को नहीं जानता, लेकिन इसने बोला ठीक है यार, इसने अपने अपने परिवार की बलि चढ़ा दी और हमें जानता तक नहीं, और हमें इतनी शर्म नहीं आई कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि यार ठीक है कोई बात नहीं पाकिस्तान नहीं जाएंगे, एक बैकडोर एंट्री ले लेते हैं यार, श्रीलंका में खेल लेंगे, यूएई में खेल लेंगे। आप टेनिस वाले भी भेज देते हैं वहां पे, आप कबड्डी वाले भी भेज देते हैं ना पाकिस्तान। अच्छा यार क्रिकेट वाले नहीं भेजेंगे, एथलेटिक्स वाले जा सकते हैं, क्यों जा सकते हैं भाई, वो इंडियंस नहीं है? आप कहते हैं जान का खतरा है, जान का खतरा है वहां पे, यही कहते हो ना, पाकिस्तान ना भेजने का आपका सबसे बड़ा कारण यही है कि विराट कोहली। तो क्या इसका मतलब जो टेनिस का प्लेयर है उसकी जान जान नहीं है सिर्फ विराट कोहली की जान? मैं आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर विराट कोहली, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर रोहित शर्मा, मेरी शिकायत उनसे नहीं है, मेरी शिकायत बीसीसीआई से है। शर्म कर लो यार। कि जस्ट अभी अभी की बात है, आपने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं एक आध वीडियो भी देखी होगी, एक आध लोग भी जो हैं अब थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया पे निकल रहा है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो है अब सोच में पड़ गया है, काफी ज्यादा बातें हो रही हैं सोशल मीडिया के अंदर, बात सिर्फ अफगानिस्तान हिंदुस्तान की नहीं, बांग्लादेश भी बीच में आ गया है और बांग्लादेश ने भी ये बात कही है कहीं ना कहीं, और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया ने भी आईसीसी को कहीं ना कहीं एक पिचकारी मारी है कि भैया ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो रूट है ना ये थोड़ा चेंज कर दो, क्योंकि भाई पाकिस्तान में बड़ा धमाका हुआ है कल, बहुत सारे इनके जो है आर्मी के लोग मरे उसमें। रोज की बात है, रोज की बात है, टीटीपी वाले रोज ठोक रहे हैं इन पाकिस्तानियों को रोज और पाकिस्तानियों का कहना है कि ये अफगानिस्तान ने किया है, अफगानिस्तान ने भाई सबूत दे दिया कि बेटा जी हम नहीं खेलना चाहते, इससे ज्यादा क्या सबूत दे, वो रोज अनार फोड़ के तुम्हारे यहाँ सबूत दे रहे हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, तुम्हें समझ कब आएगी पागलो? फिर भी कह रहे हो कि हमें सिक्योरिटी का इशू है, यार कितनी सिक्योरिटी दें आप लोगों को, या तो होना हम लोग अपनी बॉर्डरों से अपनी सारी फौज मंगवा के आप लोगों के सराहने रख देते हैं, इतने भी आप लोग स्पेशल नहीं है, जैसी सिक्योरिटी बाकी टीमों को मिली है ना वैसे ही आप लोगों को भी मिल जाएगी, इंडिया इतना बड़ा कोई हमारे लिए इतनी बड़ी कोई टीम नहीं है, हमारे लिए टीम बेशक नहीं हो लेकिन विराट कोहली रोहित शर्मा ये दोनों हमारे लिए, इनको हम लोग जेड प्लस क्या ट्रिपल जेड प्लस इनको हम लोग सिक्योरिटी दे देंगे, लेकिन यार ये इंडिया वालों ने बकरा रोला डाला हुआ है कि दहशतगर्द मुल्क है भाई, हम लोग भी तो यहाँ पे घूम ही रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया आया है यहाँ पे, पैट कमिंस सबसे बड़ा नहीं इतना बड़ा क्रिकेट का नाम है, जिमी एंडरसन आया है यहाँ पे, उसके बाद अगर बात करें न्यूजीलैंड ट्रेंट बोल्ट आया, केन विलियमसन आया, उसके बाद जिस मुल्क के ऊपर हमला हुआ था श्रीलंका वो आकर खेल के चले गए, तो इंडिया का किस चीज का मसला है? आप देख लेना
जिस तरीके से 99% जो लोग हैं कमेंट सेक्शन में आपको बताएंगे कि भाई इंडिया को जाना चाहिए, जो नफरत फैलाने वाले हैं, जो पीस को नहीं फैलाना चाहते, वो लोग आपको नीचे कमेंट में बुरा भला बोलेंगे। अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया की टीम को पता नहीं किस बात का डर है। टीम को तो मैं खैर नहीं कहूंगा, BCCI पता नहीं कौन सी बदले निकाल रहे, कौन सी जिद अदावत पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। भाई हम भी आप लोगों के पास आए थे 2023 वर्ल्ड कप में, और PCB ने ये बात कही है कि भाई अगर वो नहीं आएंगे तो इस बात के ऊपर डटे रहना चाहिए, जो हमारे साथ आता है ठीक है, नहीं तो उसको हम प्रॉपरली बायकॉट करेंगे। अबे झोपड़ी वालों छुप मत जाना, ठीक है, तुम्हारे सारे के सारे क्लिप इधर ही रखे हैं, जब तुम आओगे ना 2026 में यहाँ खेलने, यही छील छील कर लगाएंगे तुम लोगों पर। तुम्हारी औकात क्या है तुम नहीं आओगे? अभी अफरीदी ने क्या कहा सुना? अकेला PCB जीरो नहीं है, पी जिसके आगे, जिस भी डिपार्टमेंट के आगे पी लिखा है ना पाकिस्तान से रिलेटेड वाला, सब जीरो है। पाकिस्तान एयरवेज, पाकिस्तान रोडवेज, जो मर्जी हो, जिसके आगे पी लगा है वो जीरो है। एक और पीपी, पाकिस्तान पासपोर्ट, सब जीरो। खबर ये भी आ रही है निकल के, पाकिस्तान इंडिया अगर पाकिस्तान ट्रॉफी खेलने नहीं आता तो फिर आगे जितने भी वर्ल्ड कप्स होंगे, जितने भी ट्रॉफीज होंगे, एशिया कप होगा, एशिया कप भी बायकॉट किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। और दूसरी बात ये निकल के आ रही है कि पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं आता तो इंडिया और पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप मैचेस होते हैं पाकिस्तान वो भी बायकॉट करने लगा है। ऑफिशियली ICC को खत दे दिया है PCB ने हमारे, दिलेर फैसला लिया है मोहसिन नकवी ने, जिस तरीके से इस तरह से स्टैंड होंगे तो फिर आपकी बात मानी जाएगी। लेकिन आप ये वो करेंगे, थोड़े पैसे खा के आप साइड पे हो जाएंगे तो आपकी इज्जत नहीं रहेगी, आप इसी तरह एंड तक खड़े रहेंगे। इंडिया आता है ठीक है, नहीं तो दूसरे मुल्कों को, अफगानिस्तान वगैरह आए या ना आए। भाड़ में गई तुम्हारी क्रिकेट यार, वो तो इंडियन मीडिया ने शोर मचाया, इंडिया के जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं उनके जो सोशल मीडिया पे खबरें चले भाई हम अपनी टीम को भेजेंगे नहीं, वहाँ पे खतरा है। मुझे एक भी न्यूज बता दो जो BCCI की तरफ से आई हो, कुछ भी नहीं आया। तो हमारे PCB का इतना दिमाग पागल है, लेकिन इतनी बचकाना इनके स्टेडियम स्टेटमेंट से आ रही कि भाई इंडिया की तरफ से खबर है, कुछ भी नहीं। और PCB वाले होश करो। देखें जिस तरीके से इंडिया, सबसे पहले तो पाकिस्तान इंडिया गया, उधर जाके उन्होंने पाकिस्तान का बड़ा वार्म वेलकम किया, बाबर आजम जैसे बंदे को प्राइवेट जेट के अंदर घुमाया और सारी टीम को अपने घरों के अंदर पार्टीज भी दी। डिजर्व तो नहीं करते थे, पर उन्होंने इस्तकबाल अच्छा किया, वेलकम अच्छा किया। बट ओवरऑल अगर बात की जाए टीम इंडिया जो है वो इस टाइम क्यों नहीं आ रही पाकिस्तान, वो इस वजह से नहीं आ रही कि अभी उनका तूती बोल रहा है, अभी उनका सूरज चढ़ रहा है, वो ऊपर है, तो वो कह रहे हैं कि भाई हम जिस तरीके से पाकिस्तान को डाउन कर सकते हैं हम करके दिखा दें। तो जाहिर बात है आपके रिश्तेदार भी जो अमीर होते हैं ना वो आपके घर चक्कर नहीं लगाते, ठीक है, तो यही जो अमीर रिश्तेदार ना वो इंडिया है। हमारी टीम दो पेड के अंदर नहीं आ रही वर्ल्ड कप के अंदर, हम किस मुंह से कहें हमने इधर नहीं आना उधर नहीं जाना, हम कहेंगे नहीं जाना, हम कहेंगे निकलो। मोहसिन नकवी ने तो कह दिया, और BCCI सर स्टेटमेंट देना, स्टेटमेंट कुछ भी कोई भी मुंह उठा के दे सकता है, स्टेटमेंट आप दे दें इधर खड़े होके कि मैं नहीं जाने दूंगा पाकिस्तान टीम को, क्या होता है इसे, स्टेटमेंट से कुछ भी नहीं होता। ओवरऑल टीम इंडिया जो है वो इस टाइम पूरी दुनिया पे राज कर रही है, अनबीटेबल वर्ल्ड कप उठाना, जिंदगी में आज तक दुनिया की हिस्ट्री की क्रिकेट के अंदर ऐसा हुआ ही नहीं कि भाईजान कोई कैप्टन आया और अनबीटेबल जाके और वर्ल्ड कप जीत गया। अगर BCCI नहीं ना आती यहाँ पे पाकिस्तान खेलने के लिए, BCCI को बैन लगा दे, बैन लगा दे कि भाई तुम लोगों ने बकरा अपने पे होकर समझा हुआ है, ICC के बकरे चोने मोने फेवरेट बच्चे बने हैं ICC के, भाई हम लोग जो कहेंगे वही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखे ना जहाँ पे कदाफी स्टेडियम के अंदर 28,000 की कैपेसिटी थी ना, रेनोवेशन के बाद ना कोई 50-45,000 की कैपेसिटी होने वाली है। अब इतनी बड़ी इवन के पिच जो नई पिच बनी है ना कदाफी स्टेडियम के अंदर, वो खाली लोकल पाकिस्तानी नहीं बना रहे, ऑस्ट्रेलिया से बंदे बुलाए गए हैं जो पिच को रेनोवेट करेंगे। अब यहाँ से दादा लगा ले ICC इवेंट को पाकिस्तान की तरफ बड़ा समझ के रेनोवेशन कर रही है, और इंडिया वाले मान ही नहीं रहे हैं किसी की बात, जैसे इनके पे हो गया ICC है। यहाँ पे पाकिस्तान टेलीविजन पे पूर्व क्रिकेटर पाकिस्तान के बकवास पूरी यार। ICC जीरो है, ICC जीरो है, ओके, BCCI सब कुछ है। हाँ। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है, आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है, पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता जिसकी है, लाठी जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही है सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। और जो बात शायद भाई कह रहे हैं वो ICC का नया जो रेवेन्यू मॉडल है उससे भी काफी क्लियर है कि जितना बिल्कुल जितना भी नेक्स्ट टाइम चेयरमैन और ICC का प्रेसिडेंट चेयरमैन जो भी है क्या पता इंडिया से हो इसमें क्या शक है, अगर नहीं भी होगा तो भी चलेगा वो इधर ही इंडिया से, फिर भले ही वो तुम्हारा दाद खाज क्या नाम है उसका मियां दाद कुछ भी भोंगता रहे, समझते हैं कि हमारे अलावा कोई चलेगा नहीं, नहीं तो नहीं खेलते तो फिर दो और इनको धक्का दो बोले जाओ यहाँ से। बकवास पूरे दिन
कि यहाँ पे बड़े फैन हैं विराट कोहली के, अगर विराट आता तो हम उसको बड़ी इज्जत देते, ये देते वो देते। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो शाहिद अफरीदी है ना, शाहिद अफरीदी ने बड़ी छाती ठोक के ये गया था लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तानी आर्मी की एक पोस्ट पे, और पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट पे जाके शाहिद अफरीदी ने वहां पे ये कहानी सुनाई थी पाकिस्तानी फौजियों को कि 1947 में जब कबायली आए थे, जब ट्राइब्समैन आए थे कश्मीर के अंदर, उन्होंने रेप करा, उन्होंने मर्डर करा, इसने छाती ठोक के बोली थी कि इसका दादा भी आया था, शाहिद अफरीदी का दादा आया था, शाहिद अफरीदी के दादा को तमगा मिला है, मेडल मिला है। आपको पता है बारामूला में नंस का रेप हुआ था, क्रिश्चियन नंस थे उनका रेप हुआ। आपको पता है कितने मासूम लोग मारे गए यहां पर, काट के फेंक दिए गए। ये शाहिद अफरीदी who's very happy। एक है वो दाऊद इब्राहिम का समधी बैठा हुआ है, तोतला एक नंबर का, समझते हैं कि हमारे अलावा कोई चलेगा नहीं, नहीं तो नहीं खेलते तो फिर दो और इनको धक्का दो, बोले जाओ यहाँ से। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। अब पाकिस्तान को चाहिए कि आइंदा ये कोई टूर्नामेंट कराए उसमें क्या हम खेलते ही नहीं खेलते भाई, फिर इनको समझ आएगी क्या भाड़ में गई तुम्हारी क्रिकेट यार, हम इनको माइनस करके चले। बकवास पूरे दिन, ठीक है, ताकि हमें फंस के नहीं पाए, भाड़ में जाए मरे जिए जो भी करे भाई, क्रिकेट है खेल है, खेलना खेलो नहीं खेलना, मैं तो अब खेलना खेल नहीं खेलना जा। यार एक बात सोचो यार, ये लोग ये मजाक उड़ा रहे हैं अपने दिल में, मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर ह्यूमिलेटिंग अस, दे आर इंसल्टिंग अस। बीसीसीआई तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता, मूड बुद्धि, इनको क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है आप पाकिस्तान नहीं आए कहीं और, ये क्यों कर रहे हैं, इनका स्टेट क्यों अलाउ कर रहा है, इनकी फौज क्यों अलाउ कर रही है, मैं आपको बताता हूं इनकी फौज क्यों अलाउ कर रही है। बात सिर्फ पैसे की नहीं, अगर आपको लगता है पैसे की, ठीक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए पैसे का मामला है, लेकिन इनकी फौज को तो नहीं मिल रहा ना पैसे, इसमें दो चीजें हैं भाई, आप क्लियरली समझ लेना। एक बात, जब भी ये क्रिकेट मैच से पैसे कमाएंगे, भारत खेलेगा, मैक्सिमम इनकी कमाई होगी, और उस कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस जिहाद जाएगा, और फिर एक कैप्टन ब्रजेश थापा वीरगति को प्राप्त होगा, ये होने वाला है, क्योंकि तुम लोग को अच्छा लगता है बैठ के टीवी के सामने शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहा है, विराट कोहली बैट, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ऐसे चलता है। पहला कारण यह है, दे विल अर्न मनी फ्रॉम इंडिया एंड दे विल पुश इट बैक इनटू जिहाद। दूसरी चीज मैं आपको आज बताता हूं, ये चाहते हैं कि दुनिया इनको एक नॉर्मल कंट्री की नजर से देखे। आप लोग समझते क्यों नहीं है यार? आपको समझ में क्यों नहीं आती छोटी सी बात, दे वॉन्ट द वर्ल्ड टू लुक एट पाकिस्तान एज ए नॉर्मल कंट्री। और जब जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडियन क्रिकेटर्स के साथ खेलते हैं, उनको दो कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता, यार तुम लाहौर खेलो या श्रीलंका खेलो, यही बात तो दुनिया आज की तारीख में सिर्फ टीवी है, यहां पे अरबों डॉलर की डिजिटल राइट्स हैं यार, सोशल मीडिया पे लाइव स्ट्रीम हो रहा है। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि साहब नहीं हमने उनको लिमिट कर दिया, आपने कोई लिमिट नहीं करा। आपका पाकिस्तान ना जाना ठीक है, हम सपोर्ट करते हैं, आप नहीं गए पाकिस्तान, वेरी गुड बीसीसीआई, बहुत अच्छा काम करा, लेकिन आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं, पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रहे हैं, खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप, क्योंकि पाकिस्तान का जो मेन एम है, देखिए पैसा उनको मोटा मिलेगा जब इंडिया के साथ खेलेंगे, कहीं पर भी खेलें, हाँ ठीक है, उनका बोर्ड जो है वो कम पैसे बनाएगा अगर कहीं और मैच हो तो। साहब यूएई को कोहोस्ट बना दिया, यूएई को कोहोस्ट बना दिया, फिर उससे क्या होगा, ये अगर कमाते हैं 10 करोड़, ये 2 से लेकर 4 करोड़ रुपए उसमें से जिहाद के लिए देंगे। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, माफ करना भाइयों अगर आपको कड़वी लगे तो, ठीक है पाकिस्तानियों का तो बेड़ा गर्क हो, आप में से जो जो मैच एंजॉय करता है ना भारत और पाकिस्तान का, जिस जिसको खुशियां मिलती हैं, चाहे इंडिया जीते ना जीते वो अलग बात है, जिस जिसको खुशी मिलती है ना, इन फौजियों के खून से आपके भी हाथ रंगे हुए हैं, यू आर गिल्टी। कोई दो राय नहीं, पाकिस्तान के साथ हर तरह का संबंध डिस्कनेक्ट होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान पाकिस्तानियों पाकिस्तानी चैनलों के साथ बस एक ही काम करना चाहिए, इनको जहां जहां मौका मिले छीलना चाहिए, बस जो जो जिसका प्लेटफॉर्म है उस पर छीलते रहो, बॉर्डर पर भी छीलते रहो, अभी इनके अब्बू की जब सटकेगी ना तब एक और स्ट्राइक होगी। इंडिया बोलता नहीं, सबका बदला लेता है, तुम लोगों का अब्बू लिया जाएगा। आप लोग अपनी राय बताइएगा, आज के लिए बस इतना ही, दरबार खल्लास, जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए, तो बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ये कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए, क्या मैं जो बोला हूं या मेरी जो राय है उसके साथ आप सहमत है या नहीं।
वो भी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।